संख्याओं के बारे में पढ़े हुए हैं। हम उन संख्याओं के बारे में सर्वप्रथम हम रिवीजन करेंगे, उसको नई यादाश्त करेंगे। जो हम संख्याओं के बारे में जानते हैं उसमें सबसे पहले आता है प्रातिश संख्या। इसको प्रातिश संख्या इसलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम हम इन्हीं संख्याओं के बारे में जानते हैं जो पहले जब बच्चे नहीं पढ़े होते हैं उस वो अभी गिनती के बारे में जो समान दिया जाता था या टॉपिक दिया जाता था वह अनुमान से 1 2 3 करके अनुमान कर लेते थे और यह इसकी जानकारी हम अपने आप हो जाती है। यह प्राकृतिक संख्या है और इसको हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं। सामान्य रूप से हम कहें तो गिनती की संख्या को ही हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें हम गिनती की शुरुआत 0 से नहीं करते हैं, 0 से नहीं कर सकते हैं, हम गिनती की शुरुआत 1 से करते हैं और वहीं 1 2 3 4 और इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं। यह प्राकृतिक संख्या। जब हम इन संख्याओं के बारे में जो 1 2 हम इस पर लिखे हुए हैं यह संख्याओं का एक संकेत है। जब यह हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम कितने संकेतों को याद रख सकते हैं, तो एक सिस्टम विकसित किया गया इसीलिए हम अनेक संख्याओं को इंगित कर सकें, अनेक संख्याओं को आसानी से लिख सकें और जब हम इन संख्याओं में आगे बढ़े तो दूसरी संख्याओं के साथ सामने आई वह हुई पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पहुंचते हैं उसके बाद एक दसवीं प्रणाली को विकसित किया गया जिसमें एक शून्य लगा दिया गया और उसी शून्य और इन 9 संख्याओं को 9 संकेतों को मिलाकर के सारी संख्याओं को लिखा जाने लगा। यहीं से हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का शुरुआत होता है। तो इसी संख्या में हम जब शून्य मिला देते हैं तो हमारी संख्या सभी पूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चले जाते हैं। हम जब किसी संख्या पर आते हैं जब हम किसी सीढ़ी से नीचे उतरते हैं या हम पर जो कर्ज होता है उनको दर्शाने के लिए हमें निगेटिव संख्याओं की आवश्यकता करे तो उसमें हम लोग इसके लिए नाम दिया गया पूर्णांक संख्या। इस पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम इसके ऋणात्मक संख्याओं को मिला देते हैं तो यह पूर्णांक संख्याओं का समूह का निर्माण होता है और इसको जो यह हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह है इसी में हम ऋणात्मक संख्या मिला देते हैं तो यह पूर्ण संख्याओं का समूह में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद भिन्न संख्या भी आता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, सभी इन्हीं संख्याओं के माध्यम से बना हुआ है। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूर्ण भाग लग जाता है यानी उसका शेष 0 प्राप्त होता है वह सम संख्या होता है। इसमें 2 4 6 8 हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। विषम संख्या संख्याओं में 2 से पूर्ण भाग नहीं लगता है यानी शेष पर 1 प्राप्त हो जाता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। 1 3 5 7